कुछ भी पहले से प्लान नहीं था, अचानक से सब कुछ हुआ है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें देख के मज़ा आया होगा, एंड आई बिलीव सो कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि हमें भी भगवान में कहीं ना कहीं मानना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी भक्ति से और प्रेम भाव से किए हैं, इसमें हमें कुछ भी थकावट मेहनत या ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बिना बोले। हेलो गाइज, दिस इज ध्रुव इल्राना एंड यू आर द मोस्ट वेलकम इन माई न्यू वीलॉग। क्योंकि अभी के वीलॉग थोड़े से बहुत स्पेशल आ रहे हैं, यानी कि गणपति उत्सव चल रहा है, तो आप सबको हर जगह पे गणपति दिख रहे होंगे और हमारे वीलॉग में भी गणपति दिख रहे हैं, और वही एक अनदर वीडियो बनने जा रहा है ये। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में जो गणपति उत्सव चल रहा है उसमें आज 56 भोग का दिन है, यानी कि अंकोट का दिन है। कल कथा हो चुकी है, आज सत्यनारायण की कथा जो कल हुई थी, उसके बाद आज 56 भोग का दिन है, और कल या परसों काफ़ी सारे लोग आज विसर्जन करेंगे और काफ़ी सारे लोग कल विसर्जन करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है, और आप सबको कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिल सकती है, और काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि वीडियो अचानक से आने बंद हो जाए, डिले हो जाए, क्योंकि आजकल थोड़े से वीडियो कम आ रहे, डिले आ रहे, और प्रीमियर पे भी आ रहे, क्योंकि मैं इंस्टेंट नहीं डाल पा रहा, अपलोड करके प्रीमियर पे डाल देता हूँ, क्योंकि जो स्पेसिफिक टाइम है उस पर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी पब्लिक है जो स्पेसिफिक टाइम पे वीडियो देखना चाहती है, तो उन लोगों के लिए मुझे प्रीमियर पे डालना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं इंस्टेंटली डाल नहीं पाता। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही है, तो मैं एक लाइन में नहीं बता पाऊँगा, पर आपको धीरे धीरे से सब कुछ मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और अभी कुछ हुआ है, क्योंकि मैं अभी नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, तो एक भाई ने मुझे ऐसा बोला कि एक भाई का पर्स गिर गया था, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरे घर के आसपास रहते हैं, तो उस भाई का अभी सुबह को फ़ोन आया था, तो मैं उनका पर्स उस भाई से, यानी कि जो मेरा फ्रेंड उसके सब उसके पास से मैं लेके आया हूँ। तो अभी वो भाई इधर आएंगे मेरे घर के नज़दीक, तो मुझे कॉल करेंगे, तो मैं उनको वो अपना उनका पर्स वापस लौटा दूंगा। तो वो सारी क्लिपें भी आपको देखने को मिल सकती है, और गणपति के और आज काफ़ी सारी जगह पे विसर्जन है, तो उसकी भी क्लिप आपको शायद से देखने को मिल सकती है। नॉट कॉन्फिडेंस में कह सकता हूँ, पर लिटिल बिट थोड़े से हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग में थोड़ा सा तो मज़ा आना चाहिए ना भाई, डिस्को डांस भी तो होना चाहिए, जैसे कि हमने पिछला व्लॉग जो लक्ष्मी विलास पैलेस में जाके शूट किया था, तो उसमें काफ़ी मज़ा आया, और मैं पहली बार गया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। जो नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख के आओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वीडियो के टैग्स भी डाल दूंगा, तो आप जाके डेफिनेटली वॉच इट दिस व्लॉग, एंड न्यू व्यूवर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अभी दिन में क्या होता है और शाम को क्या होने वाला है, और आज मेरी मम्मी शाम को 56 भोग में कुछ अनोखी चीज़ बनाने वाली है, जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं खाया होगा, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एंड तक जुड़े रहना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। लेट्स गो। सो भाई, उन भाई का फ़ोन आ चुका है, वो यहाँ पे आ चुके हैं, उनका पर्स लौटाना है, तो अभी पर्स लौटाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, और एक और चीज़ करनी है वो करेंगे, और जो सरप्राइज़ था वो अभी कुछ कैंसिल होने वाला है, तो कुछ और चीज़ लेके जानी है, तो वो और भी देखेंगे, तो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस, उस भाई को अपने हमने उनकी सही अमानत वापस दे दी, उन्होंने बोला कि उनके काफ़ी सारे काम के डॉक्यूमेंट अंदर थे, तो मैंने सोचा कि किसी का अच्छा हो जाए तो उसमें हमारा ही भला है, तो अभी वापस दे गए, अभी हमारा कुछ काम है तो वहाँ जाते और वो ख़त्म करते, फिर सोसाइटी में जाते लड़कों। I'm not afraid.
So guys, it's the second day of the 56th Bhog of the Ganesha and I hope so कि आप सबको ये सारी चीजें देख के मजा आया होगा क्योंकि हमने इस बार कुछ अलग सा किया है और इमिडिएटली किया है इमिडिएटली बेस पे, यानी कि कुछ भी पहले से प्लान नहीं था, अचानक से सब कुछ हुआ है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें देख के मज़ा आया होगा एंड आई बिलीव सो कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि हमें भी भगवान में कहीं ना कहीं मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अपनी भक्ति से और प्रेम भाव से किए हैं, इसमें हमें कुछ भी थकावट मेहनत या ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बिना बोले करनी चाहिए। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको देख के मज़ा आया होगा और आपने भी की होगी। और जहाँ जहाँ भी गणपति बिठाए जाते हैं, जिधर भी मंडल पंडाल बनाए जाते हैं और गणपति बिठाए जाते हैं, वो सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें होती है हर एक दिन, यानी कि 10 दिन में से कोई भी एक दिन को ये सारी चीज़ें होती है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप भी करते होंगे और आपको इसी टाइप के अनदर वीलॉग देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और चैनल को डू सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अलग अलग फेस्टिवल के अलग अलग तरीके से आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें भी हो सकती है उसमें। तो इसके 2-3 पार्ट और बने हुए हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे गणपति देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारी तरह की एक्साइटिंग बातें जानने को मिलेगी। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ अनदर कंटेंट मिलने वाला है कुछ दिनों में, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है, तो आगे आगे आपको पता चलेगा। और आप सबको वो जानना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि सरप्राइज वाली भी कुछ बातें होती है जिसको अभी नहीं बताया जाता, तो वो आने वाले टाइम में आपको पता चल ही जाएगा। तो बस जुड़े रहिए और जो हमारी फैमिली आपने बनाई है उसको बस ऐसे ही क्रिएट करते रहिए और बड़ी से बड़ी फैमिली बनाइए, तो हमें और आपको दोनों को मज़ा आएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा एंड में कि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, लेट्स गो।